जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 4th ऑफ जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और ये करंट अफेयर्स हमने द हिंदू, PIB और इंडियन एक्सप्रेस जैसे मुख्य अखबारों से ली है, तो ये एक अथॉरिटेटिव सोर्स है आपके करंट अफेयर्स के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने नेशनल इवेंट्स पे। साथियों, आप लोग अगर करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, वहाँ पे काफ़ी वायलेंस हो रही है और एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं। तो इसी एथनिक क्लैशेस का इन्वेस्टिगेशन और प्रोब करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 मेंबर पैनल सेटअप किया है। किसके अंडर में साथियों? अजय लांबा के अंडर में। ये साहब चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट अजय लांबा साहब के नेतृत्व में 3 मेंबर पैनल सेटअप किया है टू इन्वेस्टिगेट मणिपुर वायलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मणिपुर और दूसरे किन के अंडर में ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो अजय लांबा साहब के अंडर में ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ ये है साथियों मणिपुर। ठीक है, तो हम लोग मणिपुर के बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो मणिपुर जब इंडिया आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया, पॉलिटिकल बाउंड्रीज उसकी ऑर्गेनाइज की गई, तो यूनियन टेरेटरी के रूप में मणिपुर आया था। कब आया था साथियों? 1956 में। ठीक है, इसको यूटी यूनियन टेरिटरी का दर्जा 1956 में मिला, उसके बाद स्टेटहुड मिला इसको 1972 में। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, यूनियन टेरिटरी 1956, फिर स्टेटहुड मिला इनको 1972 में। कैपिटल है साथियों इम्फाल, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं 16, गवर्नर हैं यहाँ के अनुसुईया यूके, चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, और यहाँ पे यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल मतलब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। बाइकैमरलिज्म मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो सेट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या लेजिस्लेटिव बॉडीज हो, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली हो और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, तब ये बाइकैमरलिज्म हो जाएगा। पर मणिपुर क्योंकि छोटा स्टेट है और यहाँ पे नहीं बनाया गया है, इसलिए यूनिकैमरल है, मतलब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली है। असेंबली में कितनी सीट्स हैं? 60 सीट्स हैं। इंपॉर्टेंट है, 60 सीट्स हैं। राज्यसभा की कितनी सीट है? 1, और लोकसभा की कितनी सीट है? 2। ठीक है, और हाई कोर्ट कहाँ पे है इनका? सिचुएटेड मणिपुर हाई कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने दोनों डायमेंशन देख लिया कि कौन इन्वेस्टिगेट कर, किसके अंडर में इन्वेस्टिगेशन होगी, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मणिपुर से रिलेटेड। हम लोग को अपनी प्रिपरेशन पूरी इंटीग्रेटेड रखनी है ताकि मणिपुर के बैकग्राउंड में अगर कोई स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछे, हालांकि जाहिर है कि यहीं से कुछ पूछा जाएगा, तो यहाँ से अगर कुछ पूछा जाता है तो आप यहाँ से भी आराम से आंसर करने में सक्षम होंगे। और यहाँ पे आपको ये पता ही चल गया है कि फॉर्मर जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट अजय लांबा साहब इस पैनल को, 3 मेंबर पैनल की इन्वेस्टिगेशन को हेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा ट्रिक की बात, तो आप याद रखिएगा मणिपुर वायलेंस जो है बहुत लंबा चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए अजय लांबा साहब ने लंबा से, आप याद रखिएगा अजय लांबा, इसलिए मणिपुर वायलेंस का जो प्रोब है वो अजय लांबा साहब के अंडर में है। ठीक है, लांबा साहब के अंडर में है क्योंकि वायलेंस बहुत लंबा चला है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये दोनों डायमेंशन समझ में आया होगा और ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों महाराष्ट्र स्टेट से, जहाँ पे अहमदनगर जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदल के अहिल्या देवी नगर रख दिया गया है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है आपको कहाँ पे, महाराष्ट्र में अहमदनगर है। ठीक है, अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और इसको क्या बदल के क्या कर दिया गया है? अहिल्या देवी नगर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा वन लाइनर ये इन्फॉर्मेशन है, तो आपको याद करनी है। ठीक, कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे इनिशियल्स जो है AH है, और यहाँ पे भी इनिशियल AH है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आप लोग आराम से ट्रिक से, या आपको एक बार दो बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कभी कंफ्यूजन हुआ तो याद रखिएगा, इनिशियल तो जो इनिशियल्स हैं, दो इनिशियल्स AH, और इनके जो चेंज हुआ है वो भी AH। ठीक है, तो अहिल्या देवी नगर के रूप में बदला गया है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट को, और अहमदनगर कहाँ है साथियों? महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो मूव है ये एम्पावर करेगा डांगर कम्युनिटी को। ठीक है, डांगर कम्युनिटी को, जो कि महाराष्ट्र की कम्युनिटी है, उसको एम्पावर करेगा ये स्टेप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है? रीनेम किया है किसको? अहमदनगर को। क्या रीनेम किया है? अहिल्या देवी नगर। ठीक है, AH से अहमदनगर और AH से ही अहिल्या देवी नगर। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों एक स्कीम से रिलेटेड, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। तो NIPCCD एक बॉडी है जिसने रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, किसके लिए? मिशन वात्सल्य के लिए। तो वात्सल्य का मतलब होता है ममता, प्यार,
ठीक है, या इंग्लिश में कहें तो फॉन्डनेस, लव, अफेक्शन, तो इसी से रिलेटेड जो स्कीम है उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो रीसेंट रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय NIPCCD वॉज फोकस्ड ऑन मिशन वात्सल्य, ठीक है। तो मिशन वात्सल्य के बारे में देख लेते हैं हम लोग चीज़ें, यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं। और मिशन वात्सल्य जो है यह इनिशिएटिव वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जैसे नाम से ही पता चल रहा है वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। आप जानते होंगे दो तरह की स्कीम होती है, एक जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंड करता है उसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर की स्कीम, और जिसमें कुछ हिस्सा स्टेट फंड करता है उसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड, ठीक है, उसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड। तो जिसमें मान लीजिए 100 रुपये की कोई स्कीम जा रही है, तो 100 का 100 रुपये अगर किसी स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो वो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम हो जाएगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और अगर इसमें से 80 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 20 रुपये अगर स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो वो हो जाएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका मतलब है स्टेट भी कुछ फंड्स इसमें देते होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मिशन वात्सल्य जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है और स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है साथियों। बहुत ही आसान सी एक दो चीज़ें हैं इसमें, खाली आपको याद करना है कि वात्सल्य जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है और ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो साथियों आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आपको पता होगा हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं 5th of June को हर साल, ठीक है। तो पहली बार ये कब सेलिब्रेट किया गया था या कब स्टैब्लिश किया गया था, कब इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1972 में एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, ठीक है, इन्वायरमेंटल रिलेटेड कॉन्फ्रेंस रखी थी 1972 में, तब से ही 5th of June को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और जो 50th एनिवर्सरी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की विल बी होस्टेड बाय कोट डिवर, ठीक है, ये अफ्रीकन नेशन है कोट डिवर, आप इसका कैपिटल हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहीं से कैपिटल पूछ ली जाए कि कोट डिवर की कैपिटल क्या है। और थीम क्या है इस बार की, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट है 5th of June, ठीक है। कब शुरुआत हुई थी, 1972 में, और 50th एनिवर्सरी कहाँ सेलिब्रेट हो रही है, कोट डे आइवर ने, ठीक है, कोट डे आइवर में, और इसका इसकी थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। यही सारे ये तीन चार डायमेंशंस थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के, इसके अलावा आपको और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है, आसान सी चीज़ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों G20 से रिलेटेड। तो आप जानते हैं कि इस समय G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, तो इसी के चलते कई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पे या इंपॉर्टेंट थीम्स पे कई सिटिंग्स हो रही हैं, कई मीटिंग्स हो रही हैं। तो उसमें से एक मीटिंग हुई थी हेल्थ वर्किंग ग्रुप की अभी रिसेंटली तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी, ठीक है साथियों, कहाँ हुई थी, हैदराबाद तेलंगाना में। तो ये थर्ड मीटिंग थी, ठीक है, थर्ड मीटिंग थी, उससे पहले दो मीटिंग और हो चुकी हैं। सेकेंड मीटिंग जो थी हेल्थ वर्किंग ग्रुप की वो थी गोवा में ऑर्गेनाइज की गई थी, और जो फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी वो तिरुवनंतपुरम केरला में थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे हो चुकी है, तेलंगाना में, गोवा में और केरला में, KGT, ठीक है, केरला से स्टार्ट हुई फिर गोवा गई फिर तेलंगाना गई, ठीक है। अगर आप मैप देखें, ऐसा कुछ मैप है इंडिया का, तो यहाँ से शुरुआत हुई फिर गोवा गई फिर ऐसे तेलंगाना में हुई, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रक्स निकला है इस मीटिंग का वो है डिजिटल हेल्थ फॉर ऑल बाई 2035, इम्पॉर्टेंट है ये ईयर साथियों, ठीक है। जैसे 2047 आप हमको बताइएगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है 2047, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में शायद पूछा भी गया था, किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 2035 तक, ठीक है, 2035 तक डिजिटल हेल्थ को अचीव करना है, ठीक है, डिजिटल हेल्थ को, हेल्थ तो है ही है पर डिजिटल हेल्थ, डिजिटल हेल्थ क्या होती है, जैसे टेली कंसल्टेशंस होते हैं, आपकी जो भी डिजीज़ है या कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री है वो पूरी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है, तो ये सब डिजिटल हेल्थ के पार्ट हैं, ठीक है। तो डिजिटल हेल्थ को कब तक अचीव करना है साथियों, 2035 तक। और तीन मीटिंग्स हो चुकी हैं हेल्थ वर्किंग ग्रुप्स की, कहाँ कहाँ हुई है, KGT, ठीक है, KGT, केरला, गोवा और तेलंगाना, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों,
NIRF रैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है, आप ये जानते हैं कि ये जो रैंक है ये इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंक करती है, और ये 11 डिफरेंट कैटेगरीज में रैंकिंग दी जाती है, ठीक है, 11 डिफरेंट डिसिप्लिनस में रैंक दी जाती है, आप ध्यान रखिएगा 11 डिसिप्लिनस में रैंक दी जाती है, ठीक है। कौन कौन से हैं? यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, मेडिकल आर्किटेक्चर, डेंटल एंड रिसर्च, ठीक है। तो 11 डिफरेंट कैटेगरीज में ये रैंक दी जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा, ये कब आया था? तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क आया था 29 सितंबर 2015 में, ठीक है, बाई अर्स्टवाइल MHRD, जो जिसका नाम अब बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है, ठीक है। तो आप ये बताइएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो नाम है ये कब बदला गया? MHRD से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम कब बदला गया? अभी शायद UPPCS में पूछा गया था, UPPCS में अभी 15th या 14th में हुआ था, तो उसमें ये पूछा गया था कि कोई मिनिस्ट्री, कोई स्कीम थी तो उसका नाम बदल के शायद पोषण स्कीम रख दिया गया था, तो यही पूछा गया था कि पोषण स्कीम कब रखा गया था। ऑप्शन थे 2021, 2022, तो आपसे भी ऐसे पूछ सकते हैं, तो ये सारे डायमेंशन हम लोग को देखने हैं, ठीक है। तो बताइएगा आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम बदल के, मतलब MHRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किस ईयर में रखा गया था, ठीक है। तो इसमें दो तीन बातें देखने लायक हैं, एक तो ये है कि NIRF जो है 2015 में आया था, ठीक है, 15 में आया था, ध्यान रखिएगा 2015 में आया था, 11 डिफरेंट कैटेगरीज में देता है, डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर, डेंटल और रिसर्च, ठीक है। और ये कितने पैरामीटर्स पे देते हैं? 5 पैरामीटर्स पे, ठीक है, 5 पैरामीटर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे साथियों? NIRF जो है वो किस बेसिस पे दिया जाता है, किस बेसिस पे रैंक करता है? टीचिंग में, टीचिंग, टी से टीचिंग में कितनी ग्रिप है, ठीक है, GRIP, कितनी ग्रिप है टीचिंग में, इस पैरामीटर पे देता है, ठीक है। तो टीचिंग से आप याद रखिएगा टीचिंग, लर्निंग या रिसोर्सेज एक पैरामीटर ये हो गया। जी से याद रखिएगा ग्रेजुएशन का आउटकम क्या होता है उस बेसिस पे देगा। आर से क्या देगा? रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस। आई से साथियों इंक्लूसिविटी एंड आउटरीच, और पी से परसेप्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपको ट्रिक पता चल गई, बहुत आसानी से आप याद करेंगे और वहाँ पे कंफ्यूज भी नहीं होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो NIRF किस बेसिस पे देता है? टीचिंग में कितनी ग्रिप है, फिर से एक बार देख लेते हैं। टीचिंग मतलब टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। जी से ग्रेजुएशन आउटकम। आर से रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस। आई से इंक्लूसिविटी एंड आउटरीच, और पी से परसेप्शन, ठीक है। तो इन पांच ऑब्जर्वेशंस, इन पांच पैरामीटर्स पे NIRF जो है इंस्टीट्यूशंस को रैंक करता है। कितनी कैटेगरीज में? 11 कैटेगरीज में, ठीक है, 11 कैटेगरीज में। कब आया था? 2015 में आया था, ठीक है। तो तीन चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपके टेक अवेज हो जाते हैं, ठीक है, एक तो ईयर 2015, कैटेगरी 11, और पैरामीटर्स, पाँच पैरामीटर्स कौन कौन से? टीचिंग में ग्रिप, टीचिंग ग्रिप, ठीक है, टीचिंग ग्रिप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अपने इंस्टीट्यूशंस को देख लेते हैं। तो IIT मद्रास जो है उन्होंने टॉप स्पॉट अचीव किया है 5th कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है। तो 5 साल से ये जो है ताज इनके सर पे बरकरार है NIRF का, ठीक है। 2023 में भी IIT मद्रास ने टॉप स्पॉट गेन किया है, ठीक है। तो अब जो 11 पीछे हम लोग ने देखा था डिसिप्लिन्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट प्लेस उनमें उनमें से कौन किस किस पे है, ठीक है। तो ओवरऑल रैंकिंग में JNU नंबर 1 पे है। इंजीनियरिंग में आप जानते हैं इंजीनियरिंग करते करते पागल हो जाते हैं, मैड हो जाते हैं, तो ये मैड्रेस आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। कॉलेज में हम लोग मिरांडा पीते हैं, मिरांडा हाउस याद रखेंगे, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। रिसर्च और लॉ जो है वो बैंगलोर वाले कॉलेजेस हैं, NLU बैंगलोर और IISc बैंगलोर, ठीक है। कहाँ पे? रिसर्च में, रिसर्च और लॉ में। कहाँ पे? ये बैंगलोर में है, ठीक है। इनोवेशन जब कान पकड़ा गया स्कूल में तब जाके इनोवेशन हुई, ठीक है। तो आप याद रखेंगे IIT कानपुर इनोवेशन में है। मैनेजमेंट में आप जानते हैं IIM अहमदाबाद बेस्ट है, ठीक है। और फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर वन कॉलेजेस हैं रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन या रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। ओवरऑल रैंकिंग में JNU नंबर 1 है। इंजीनियरिंग करते करते क्या हो जाते हैं? मैड, तो IIT मैड्रास। कॉलेज में क्या पीते हैं? मिरिंडा, तो मिरांडा हाउस। रिसर्च और लॉ में बैंगलोर, IISc बैंगलोर और NLU बैंगलोर। कान जब पकड़ा तो इनोवेशन हुआ, तो IIT कानपुर। मैनेजमेंट अहमदाबाद। फार्मेसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन रिसर्च हैदराबाद, ठीक है। तो हम लोग ने सारे फर्स्ट प्लेस देख लिए। अगर आपको
याद करना है तो आप एक एक सेकंड प्लेस भी याद कर सकते हैं ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जाम का स्तर ऐसा हो चुका है, लेवल ऐसा हो चुका है कि वो थर्ड प्लेस तक पूछ लेते हैं। ठीक है, अभी शायद IFSCA का मेंस था तो उसमें पूछा था टॉप 5 में कौन नहीं है, टॉप 5 स्टॉक एक्सचेंजेस या ऐसा करके कुछ था, टॉप 5 फाइनेंशियल सेंटर्स में कौन सा नहीं है, तो आपको पाँचों याद होने चाहिए होते उस एग्ज़ाम में पूछा था। अगर आपने IFSCA दिया होगा तो आपको पता होगा। तो इसीलिए साथियों, कम से कम ओवरऑल रैंकिंग तो आप याद कर लीजिएगा कि जो ओवरऑल रैंकिंग है वो जाबाज है। ठीक है, जाबाज, ठीक है, जाबाज। ओवरऑल रैंकिंग में जो नंबर 1 है वो है जाबाज। जे से आप याद रखिएगा, जे से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बी से BHU और जे से जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, ताकि आसानी से आपको जल्दी से याद हो जाए, एक दो बार में आप अपना ये करंट अफेयर समाप्त कर दें। ज़्यादा देर नहीं लगानी है, बस ट्रिक के माध्यम से सबको एक चीज़ याद करनी है। जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होगी वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग ने पूरी जो जो इंस्टीट्यूशन अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे हैं उनके बारे में भी हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। साथियों, आज हम लोग बात किए थे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में PIB में ये न्यूज़ निकली थी कि श्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक मीट एड्रेस की थी वाया वीडियो मैसेज। तो उनका पूरा जो वीडियो मैसेज की ट्रांसक्रिप्ट थी तो वो हमने पढ़ी है, और उसके हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट लगा है वो चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो जो बोल्ड है या जो कलर्स में, उस भी पे आप ध्यान दीजिएगा, बाकी आप एक बार रीडिंग मान लीजिएगा, पर हम लोग वही देखेंगे जो बोल्ड है, जो ब्लैक बोल्ड है या रेड में है। ठीक है, तो मोदी जी ने बताया कि जो इंडिया है वो 2 लेवल पर काम कर रहा है टू गेट रिड ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक इन 2018। अभी हम लोग ने पीछे देखा था ना कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है वो प्लास्टिक से रिलेटेड है, तो उसी के बारे में मोदी जी ने बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो था इंडिया में, कब से इसकी शुरुआत हुई है सिंगल यूज़ प्लास्टिक एलिमिनेशन की, 2018 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी साथियों? 2018 में। ठीक है, 2018 में, क्योंकि ये PIB में निकली और ये मोदी जी ने बोला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरे लेवल पर क्या किया गया है कि प्लास्टिक वेस्ट की प्रोसेसिंग की गई। ठीक है, आपको ये तो ध्यान नहीं रखना है कि क्या है, पर आप ध्यान रख सकते हैं कि क्या ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि मोदी जी ने क्या चीज़ बताई थी कि जो 2 लेवल पे जो 2 चीज़ें इनिशिएटिव शुरू किए गए थे टू गेट रिड ऑफ प्लास्टिक, तो उसमें था कि एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक इन 2018 और प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट 9 ईयर्स में जो नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं और रामसार साइट्स हैं वो इंक्रीज हो गई हैं ऑलमोस्ट 3 times। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा कि पिछले 9 सालों में कितने टाइम्स इंक्रीज हुई हैं, तो 3 times इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 3 times। उसके बाद मोदी जी ने 2 स्कीम्स की बात करी थी, एक थी अमृत धरोहर योजना। ठीक है, अमृत धरोहर योजना क्या करेगी, रामसार साइट्स को सेंटर बनाएगी इको टूरिज्म के लिए और उसके कंजर्वेशन में अपना योगदान देगी। और दूसरी थी मिष्टी योजना। ठीक है, ये मैंग्रोव कवर से रिलेटेड थी। ठीक है, और ये मैंग्रोव कवर इसमें कहाँ कहाँ पे 9 स्टेट्स में रेस्टोर किए जाएंगे। ठीक है, 9 स्टेट्स में रेस्टोर किए जाएंगे, पैन इंडिया इनिशिएटिव नहीं है, ये सिर्फ 9 स्टेट्स में रेस्टोर किए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उन्होंने लाइफ के बारे में बात करी थी। ठीक है, लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, और ये कहाँ पे शुरू हुआ था, केवड़िया एकता नगर गुजरात में। ठीक है, मोदी जी ने गुजरात में अपने होम स्टेट में ये शुरू किया था, कहाँ से, एकता बनाते हुए केवड़िया एकता नगर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरी ट्रांसक्रिप्ट थी उनके वीडियो मैसेज की, और इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो चीज़ हम लोग ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी कुछ और चीज़ें देखते हैं। साथियों, इसी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे एक इनिशिएटिव हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑन कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोचेस फॉर ई कुकिंग ट्रांजिशन। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोचेस फॉर ई कुकिंग इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग ट्रांजिशन। ठीक है, तो इस किसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने क्लास्प के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही ध्यान देना की बात है कि जो ई कुकिंग ट्रांजिशन की जो कॉन्फ्रेंस थी वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने क्लास्प के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने मुलाकात की US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिस्टर लॉयड ऑस्टिन के साथ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है लॉयड ऑस्टिन जो हैं, लॉयड ऑस्टिन साहब हैं, ये कहाँ के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं या कहाँ के डिफेंस अटैची या डिफेंस काउंटर पार्ट हैं राजनाथ सिंह के, तो आप बताइएगा कि ये US के हैं। ठीक है, लॉयड ऑस्टिन कहाँ के हैं साथियों, US के। ठीक है, इसमें ज़्यादा और कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, प्रेसिडेंट हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू, वो विजिट की थी सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम जो कि साउथ अमेरिकन नेशन है। ठीक
ठीक है, साउथ अमेरिकन नेशन है सूरीनाम, वहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक विजिट की थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा सूरीनाम की जो कैपिटल है वो परामरीबो है, ठीक है, परामरीबो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग में सूरीनाम से रिलेटेड कैपिटल पूछ ले, ठीक है। तो बस इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की गई थी क्योंकि प्रेसिडेंट जी की विजिट थी यहाँ पे और इसका जो कैपिटल है वो याद रखने लायक है, ठीक है। तो सूरीनाम की जो कैपिटल है वो है परामरीबो, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ रीजन है इज सेट टू बिकम अ मेजर पावर हब इन नॉर्थ इंडिया। क्यों पावर हब बनने वाला है? क्योंकि यहाँ पे 6-7 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं अपकमिंग है, ठीक है। तो उसमें से हैं पकलडुल कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किरथाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट, दुलहस्ती पावर स्टेशन और दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपका काम ये है साथियों कि इनकी जो कैपेसिटी है आपको वो बताना है, ठीक है, या आपने नोट्स में लिख लेना है, और ये किस रिवर पे बनाए जा रहे हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वो आपको बताना है, ठीक है। पकलडुल कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, किटसई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, रैटल प्रोजेक्ट, दुलहस्ती पावर स्टेशन और दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दुलहस्ती जो है साथियों वो है चिनाब रिवर पे, ठीक है, चिनाब रिवर पे ये बन रहा है। उसी तरह से आपको दोनों इन चारों का भी देखना है, इन चारों पांचों का भी देखना है कि ये किस रिवर पे हैं और इनकी रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज़ भी याद करनी है क्योंकि आजकल बहुत ही स्पेसिफिक डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पकलडुल की जो कैपेसिटी है वो है 1000 मेगावाट, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक की है 624 मेगावाट। उसी तरीके से इन सब क्वार किरथई रैटल दुलहस्ती और दुलहस्ती की आपको चीज़ें देखनी है और ये देखना है कि ये रिवर पे कौन से रिवर पे हैं और कितनी कैपेसिटी की ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं या पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन से जो कि रिलेटेड है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गए हैं हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के। आप जानते हैं कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जैसे आपने यूज़ किया होगा पेटीएम यूज़ किया होगा, जीपे यूज़ किया होगा, ठीक है, पेमेंट करने के लिए, तो वही पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स होते हैं। ये एक्चुअली इंटरमीडियरीज होते हैं जो पेमेंट और पेई के बीच एक गेटवे देते हैं, ठीक है, पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बस यही काम होता है इनका, गेटवे प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी टू एनेबल वेरियस पेमेंट ट्रांजैक्शन सच एज ऑनलाइन कार्ड पेमेंट, मोबाइल पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स, ठीक है। तो आप जानते ही हैं ये पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स कौन कौन होते हैं, ये पेपैल है, रुपे है, वीजा, मास्टर कार्ड, पेटीएम, ठीक है। दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज इन प्रोसेसिंग एंड सेटलिंग पेमेंट्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो इनको क्या करना है, गाइडलाइंस में क्या क्या है साथियों, द प्रपोज गाइडलाइंस रिक्वायर पीएसओज टू इंप्लीमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए इनको बोला गया है आरबीआई द्वारा विद अप्रूव्ड साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, ताकि आपका जो पेमेंट है, जो वॉलेट में पैसे हैं या आपकी जो पेमेंट हो रही है वो सिक्योर हो, साइबर सिक्योर हो, ठीक है, उसमें कोई भी बीच में फ्रॉड एक्टिविटीज ना हो, एंड क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान्स एंड कंप्लाई विद बेसिल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, बेसिल स्टैंडर्ड्स से कंप्लाई करने के लिए भी बोला गया है, ठीक है। पीएसओज विल हैव टू रिपोर्ट एनी अनयूजुअल इंसिडेंट इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्विंग साइबर अटैक्स, इंटरनल फ्रॉड एटसेट्रा टू आरबीआई विद इन 6 आवर्स ऑफ डिटेक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस बात का, ठीक है, जो कि जिसमें से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। तो 6 आवर्स के अंदर, 6 घंटे के अंदर कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी साइबर अटैक होता है, कुछ भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी होती है, तो उसे तुरंत सूचित किया जाएगा 6 घंटे के अंदर किसको, आरबीआई, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ दीज डायरेक्शन शैल अप्लाई टू ऑल ऑथराइज नॉन बैंक पीएसओज, ठीक है। द बोर्ड ऑफ पीएसओज हैज बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बोला गया है, 6 आवर्स के अंदर अनयूजुअल इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, ऑल ऑथराइज नॉन बैंक पीएसओज पे भी लागू होगा और जो बोर्ड है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स का उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस चीज़ की इंश्योर करने की कि सारे जो गाइडलाइंस है या जो भी डायरेक्शंस है वो फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत कुछ नहीं है, ठीक है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन अपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उड़ीसा से, आप जानते ही हैं बहुत ही दुखद हादसा हुआ है अभी उड़ीसा में, ठीक है। तो वहाँ से ही एक
इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि वहाँ के ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा ने डिसाइड किया है टू प्रोक्योर साल सीड्स फ्रॉम 9 ओडिशा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये न्यूज़ PIV में थी इसलिए इंक्लूड की गई है। द मूव विच कम्स आफ्टर अ गैप ऑफ 3 ईयर्स इंटेंड टू अरेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेल ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो याद रखना है आपको जो साल सीड्स हैं, साल ट्रीज हैं, साल सीड्स हैं, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आते हैं। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि ये मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। साल के बारे में देख लेते हैं, तो ये नेटिव है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, टिबेट का। ठीक है, ये हैबिटेट इनकी कहाँ, ये कहाँ पाए जाते हैं, डेसीडुअस ट्री है और हिल स्लोप से पाए जाते हैं और फ्लैट ग्राउंड से भी पाए जाते हैं। सॉइल इज डीप होता है, जहाँ पे डीप सॉइल्स होते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। रेजिस्टेंट टू फायर है और क्लासिफाइड अंडर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू दिस। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है इनके प्रोडक्शन और इनके सेलिंग के लिए। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से क्या करते हैं, जो वन बंधु होते हैं हमारे जो ट्राइबल एरियाज में रिसाइड करते हैं, वो साल फॉरेस्ट को, साल सीड्स को कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से और उनको बेचते हैं सरकार को, किस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों जम्मू कश्मीर से, जहाँ पे लेवेंडर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया गया है कहाँ, भदरवा में, जो कि एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, एज पार्ट ऑफ 1 वीक एंड 1 लैब कैंपेन ऑर्गेनाइज बाय CSIR IIM। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकेंड ईयर ऑफ लेवेंडर रिवोल्यूशन। ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, और जो भदरवा है, इट इज़ बीइंग हेल्ड एज लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया एंड एन एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो मिशन चल रहे हैं, एक तो लेवेंडर रेवोल्यूशन है और एक एरोमा मिशन है। ठीक है, लेवेंडर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे बस ये याद रखने वाली बात है कि लेवेंडर रेवोल्यूशन जो है वो लॉन्च किया गया था 2016 में बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, भूल मत जाइएगा या कन्फ्यूज मत होइएगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये मिशन चालू किया था, ये रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था 2016 में। ठीक है, उसी के साथ अरोमा मिशन भी चालू हुआ था या स्टार्ट हुआ था और जो है CSIR जो था उसकी नोडल एजेंसी थी। ठीक है, दिस इनिशिएटिव इज एम्ड टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन द अरोमा सेक्टर, प्रमोट द कल्टिवेशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स एंड बेनिफिट फार्मर्स। एरोमेटिक क्रॉप्स जो सुगंधित क्रॉप्स होती है जिनसे बहुत मतलब अच्छी सी खुशबू आती है, उनको एरोमेटिक क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, फेज़ वन और फेज़ टू में देते थे, आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वही पूछते हैं। और जो नोडल एजेंसी है साथियों वो CSIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में। ठीक है, तो एल से लेवेंडर फेस्टिवल है और एल से ही लखनऊ में जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, वो उसको उसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा लेवेंडर फेस्टिवल कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 2016 में बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। नोडल एजेंसी कौन सी थी, CSIR CIMAP। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, CMAP। ठीक है, लखनऊ। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, बैंक गारंटी और इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अप्रूव किया है कि बैंक गारंटी की जगह अब जो PPP प्रोजेक्ट्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज अप्रूव्ड द एक्सेप्टेंस ऑफ ई बैंक गारंटी एंड इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स एज बिड सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन हाइब्रिड एनुइटी मॉडल बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये सब PPP प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली स्लाइड्स में मिलेगी। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है, रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है, ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, इसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ई बैंक गारंटी और इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को अप्रूव किया है फॉर बिड सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। ठीक है, बिड सिक्योरिटी क्या होता है, जब कोई प्रोजेक्ट बिड करते हैं तो उसके लिए जो सिक्योरिटी दी जाती है उसको बिड सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मिलने के बाद आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसके लिए जो सिक्योरिटी दी जाती है उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एक ब्रिज बनाना है, ठीक है, और सरकार, आपने बिड ज्वाइन की और आपने बिड जीत ली कि ये जो
ब्रिज है वो आप 100 रुपये में बना देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, पहले बिडिंग सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, ठीक है, आप बना रहे हैं, लेकिन बीच में मान लीजिए जैसे कोरोना जैसी पैंडमिक आ गई तो ये ब्रिज रुक गया, ठीक है, इससे परफॉर्मेंस जो है वो डिटेरियट होगा, जो हैम्पर होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सिक्योरिटी दी जाती है उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पीपीपी प्रोजेक्ट जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है, इनका जेस्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, इसलिए प्रॉफिट बहुत देर से आना शुरू होता है, इसलिए बिट सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो एज़ पर द अप्रूवल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड रोड डेवलपमेंट, टोल कॉन्ट्रैक्ट्स, रोप वे एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन मिनिस्ट्री हैज़ प्रोस्क्राइब्ड बैंक गारंटी कैन बी रिप्लेस विद इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स, ठीक है। फिजिकल बैंक गारंटीज मे बी एक्सेप्टेड इफ ई बैंक गारंटीज आर नॉट फीजिबल। द इंट्रोडक्शन ऑफ श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस रिड्यूसेज द रिलायंस ऑन बैंक गारंटीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड प्रोवाइड्स रिस्क ट्रांसफर एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जैसा नॉन परफॉर्मेंस होगा तो जो रिस्क है वो ट्रांसफर होगा, इसीलिए आराम से जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं होगा। इट ऑल्सो रिक्वायर्स लेस कोलैटरल एंड फ्रीज अप फंड्स फॉर बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। दिसंबर 2022 में यूनियन मिनिस्टर साहब है नितिन गडकरी साहब, जो कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को लीड करते हैं, उन्होंने लॉन्च किया था कंट्रीज फर्स्ट श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ऑन बैंक गारंटीज, ठीक है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अग्रीड टू अलाउ कॉन्ट्रैक्टर्स एंगेज बाय स्टेट ओन्ड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू कन्वर्ट देयर बैंक गारंटीज इंटू इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है और आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में देख लेते हैं और ई बैंक गारंटीज़ के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे तीन टर्म है, आप देख लीजिए, सॉरी दो टर्म है इंपॉर्टेंट। तो बैंक गारंटी क्या होती है, नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि बैंक गारंटी देती है पीपीपी प्रोजेक्ट्स में, अगर पीपीपी प्रोजेक्ट्स में कोई भी लॉस होता है तो बैंक उसको लिए मतलब ऑब्लाइज करेगा, उसमें जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाएगा बैंक को, ठीक है। तो इट इज़ अ फाइनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज एज लीगल कॉन्ट्रैक्ट इन विच बैंक एक्ट्स एज गारंटर एंड अंडरटेक्स एन ऑब्लिगेशन टू पे द बेनिफिशियरी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्पेसिफाइड इन द गारंटी इफ डेटर फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डजंट अंटिल फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कोई डेटर है उसके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो बैंक गारंटी लेता है एज अ गारंटर टू ऑब्लाइज फॉर दिस, ठीक है। दूसरा क्या है, इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स विच आर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट एज श्योरिटी एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल गारंटी, ठीक है। यहाँ पे कौन है, बैंक है, यहाँ पे कौन होगा, इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, ठीक है। This provides financial guarantee that the contractor will fulfill its obligation as per the agreed terms, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी और इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को पार पे रखा है फॉर ऑल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स, ठीक है। तो अब जितने भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स होंगे उसमें EBG और इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को मान्यता दी जाएगी और पार पे रखा जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पे साथियों कुछ PPP नॉमेनक्लेचर्स हैं, आप उनको देख लीजिएगा, जैसे कि है डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट मेंटेन, डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट, डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट मैनेज फाइनेंस, तो इन सब की चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। इन सबसे रिलेटेड चीज़ें, इनके फंक्शंस, पेमेंट सोर्स क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो इनके इनके बारे में दिया गया है, आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। और आने वाली 4-5 स्लाइड्स में सिर्फ यही है, तो आप एक बार बस इसको रीडिंग कर लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा इन लोग के एसेंशियल फीचर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों ये न्यूज़ है G20 प्रेसिडेंसी से रिलेटेड मीटिंग्स पे। तो अभी हम लोग ने हेल्थ वर्किंग ग्रुप देखा था ना, हेल्थ वर्किंग ग्रुप जो हुआ था वो थर्ड हेल्थ वर्किंग ग्रुप तेलंगाना में हुआ था, उससे पहले फर्स्ट और सेकंड कहाँ कहाँ हुए थे, फर्स्ट साथियों हम लोग ने ऐसे देखा था ना कि यहाँ पे केरला में हुआ था, फिर केरला से हम नॉर्थ गए गोवा में, फिर गोवा से हम लोग ईस्ट गए तेलंगाना में, ठीक है। तो KGT जो था हमारी ट्रिक थी, ठीक है, KGT किसके लिए, हेल्थ के लिए। और डिजिटल हेल्थ कब तक अचीव करना था साथियों, 2035 तक, ठीक है।
तो हम लोग ने अभी पिछला करंट अफेयर रिवाइज कर लिया है, और अब हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो हुई थी इंडियन प्रेसिडेंसी के अंदर। कहाँ पे हुई थी ये? आईएलओ हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, आईएलओ हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट्स इंटरनेशनल नॉलेज पार्टनर्स, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी, सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, वर्ल्ड बैंक एंड अ डोमेस्टिक नॉलेज पार्टनर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटेंडेड द मीटिंग टू प्रोवाइड देयर टेक्निकल एक्सपर्टीज टू द ग्रुप, ठीक है। तो बस आपको तैयार रखना है कि ये जो थर्ड थर्ड मीटिंग थी, थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी? जिनीवा स्विट्जरलैंड में। इससे पहले दो कहाँ कहाँ हो चुकी है हम लोग देख लेते हैं। पहली हुई थी जोधपुर राजस्थान में, दूसरी हुई थी गुवाहाटी असम में, ठीक है। ठीक है, पहली राजस्थान में हुई थी, दूसरी गुवाहाटी असम में। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप 2023 की जो मीटिंग थी जिनीवा में, उसके अंदर इंडियन प्रेसिडेंसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट की प्रायोरिटी एरियाज थे वो देख लेते हैं। एड्रेसिंग ग्लोबल स्किल गैप्स, ठीक है, स्किल गैप के बारे में बात की गई थी। गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एंड सोशल प्रोटेक्शन, गिग आप जानते हैं ना कि जो फ्रीलांसिंग टाइप की चीज़ होती है, जहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज होती है, जहाँ पे एग्रीगेटर्स होते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको कहते हैं गिग इकोनॉमी, ठीक है। और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, तो ये तीन प्रायोरिटी एरियाज आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एड्रेसिंग ग्लोबल स्किल गैप्स, गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, तो ये तीन चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप जो हेड हुई थी कहाँ पे? जिनीवा स्विट्जरलैंड में, उसके अंतर्गत ये सारे प्रायोरिटी एरियाज थे, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पे ध्यान देने के लिए कि जो पहला फेज था एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का वो कहाँ हुआ था? वो जोधपुर राजस्थान में हुआ था। दूसरा कहाँ हुई थी दूसरी फेज में मीटिंग हुई थी? गुवाहाटी असम में, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे डायमेंशन एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के कवर कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है हम लोग देख लेते हैं। तो 5 जून को हम लोग इन्वायरमेंट डे के अलावा इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग को भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 2017 में। कब स्टार्ट हुआ था? 2017 में। क्या चीज़? फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ठीक है। 4 जून को साथ ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है। तो जो वॉर वॉर होती है उसके अंतर्गत जो भी छोटे बच्चे होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, उनकी उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, उनके लिए ये डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 4 जून को, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 1997 में, ठीक है। थोड़ा स्टैटिक भी पता होना चाहिए और डायनेमिक तो पता ही होना चाहिए, करेंट तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग है वो 2017 में शुरू की गई थी, और इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ये शुरू किया गया था 1997 में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, जो 78th UNGA प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेनिस फ्रांसिस एलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। ये वेटरन डिप्लोमेट है कहाँ के? ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के, ठीक है। ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के ये प्रेसिडेंट हैं, 78th प्रेसिडेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले कौन थे? 77th प्रेसिडेंट कौन थे? ये कसाबा कुरोसी थे हंगरी से, ठीक है। कसाबा कुरोसी थे हंगरी से, ठीक है। तो याद रखिएगा, हंगरी थे इसलिए तंबाकू खाने लगे, ठीक है, टोबैको खाने लगे। कौन? डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। तो याद रखिएगा, यूएनजीए के जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो टोबैको का सेवन करते हैं, ठीक है। ये बस एक फन में ट्रिक बनाई गई है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। तो डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये 78th इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं यूएनजीए के। किसको सक्सीड किया इन्होंने? कसाबा कोरोसी, जो कि हंगरी हैं, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, आरबीआई ने अभी इम्पोज किया है 2.20 करोड़ पेनाल्टी ऑन इंडियन ओवरसीज बैंक फॉर रूल वायलेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि 2.5 करोड़, मतलब मोटा मोटा 2.5 करोड़ की जो पेनाल्टी है वो किस पे लगी है? ओवरसीज ट्रांजैक्शंस पे, याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा। 2.5 करोड़ की पेनाल्टी कहाँ पे लगी है? ओवरसीज में लगी है। किस पे? इंडियन ओवरसीज बैंक पे, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, ओवरसीज लगी है पेनाल्टी इंडियन ओवरसीज बैंक पे, ठीक है, रूल वायलेशंस के लिए, ठीक है। उसके बाद साथियों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो टेक ओवर कर ले लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ सहारा इंडिया के, ठीक है। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस टेक ओवर कर लेगी इंश्योरेंस बिजनेस, किसके इंश्योरेंस बिजनेस को? सहारा के, ठीक है। सहारा के इंश्योरेंस बिजनेस को कौन करेगा? SBI, ठीक है। तो S से सहारा और S से SBI, ठीक है। तो याद रखिएगा कि IRDAI को सभी का सहारा है, ठीक है। सभी से याद रखिएगा SBI, और सहारा से याद रखिएगा
सहारा इंडिया, ठीक है, इसके इंश्योरेंस बिजनेस को टेक ओवर करेगा। कौन? सभी का सहारा है, सभी मतलब SBI, और सहारा मतलब सहारा इंश्योरेंस बिजनेस, सहारा इंडिया का इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, सेबी ने इशू की है गाइडलाइंस फॉर ट्रांजैक्शन इन कॉरपोरेट बॉन्ड्स थ्रू रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म बाय स्टॉक ब्रोकर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज लिक्विडिटी ऑन प्लेटफॉर्म एंड टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट इन कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। तो आप जानते हैं ये कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। तो सेबी हैज आस्क्ड स्टॉक ब्रोकर्स टू अंडरटेक एटलीस्ट 10% ऑफ देयर टोटल सेकेंडरी मार्केट ट्रेड्स बाय वैल्यू इन कॉरपोरेट बॉन्ड्स इन दैट मंथ बाय प्लेसिंग और सीकिंग कोट्स थ्रू 1-to-1 और 1-to-many मोड ऑन रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म और स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। तो उनका जो 10% ट्रेडिंग है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। द वैल्यू वुड बी इंक्रीज बाय 25% ऑफ देयर टोटल सेकेंडरी मार्केट ट्रेड्स फ्रॉम April 1, 2024 ऑनवर्ड्स, मतलब अगले साल से अप्रैल 1 से ये 10% की जो वैल्यू है वो बढ़ाकर कर दी जाएगी 25%, ठीक है। तो जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनको सेकेंडरी मार्केट में एटलीस्ट 25% ऑफ की जो ट्रेडिंग है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करनी है, ठीक है, ताकि लिक्विडिटी बढ़े थोड़ा सा और कॉर्पोरेट्स को थोड़ा सा मदद मिले जो कि अभी उभर ही रहे हैं कोरोना जैसे पैंडमिक से, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, RBL बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है ACE फिक्स डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। तो आप याद रखिएगा रेस, ठीक है, ACE से याद रखिएगा रेस, R से RBL बैंक, कन्फ्यूज नहीं होना है RBI से, ठीक है, R से RBL बैंक और A से ACE फिक्स डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। इसकी एक बार आप दर देख सकते हैं, इंटरेस्ट देख सकते हैं, 8.50 इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, कार्बन कार्ड है, ये B2B बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट एवर मोबाइल बेस्ड एक्सप्रेस मैनेजमेंट कार्ड जिसका नाम है कार्ड प्लस प्लस, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्बन कार्ड है, ठीक है, कार्बन कार्ड ने इंट्रोड्यूस किया है कार्ड प्लस प्लस, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ की पेनाल्टी कहाँ लगी? ओवरसीज में, मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक में। सभी को सहारा है इंश्योरेंस का, मतलब सभी मतलब SBI और सहारा मतलब सहारा इंडिया इंश्योरेंस बिजनेस टेक ओवर करेगा SBI लाइफ इंश्योरेंस। सेबी ने डायरेक्ट किया है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए स्टॉक ब्रोकर्स को 10% ट्रेडिंग होनी चाहिए सेकेंडरी मार्केट में, जिसको बढ़ाकर कर दिया जाएगा 25% बाय 2024, ठीक है। तो 24 में कर दिया जाएगा 25, ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे 24 में कर दिया जाएगा 25%। RBL बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है ACE फिक्स डिपॉजिट स्कीम, मतलब रेस, ठीक है, रेस, R से RBL बैंक और ACE से ACE फिक्स डिपॉजिट, और कार्बन कार्ड ने इंट्रोड्यूस किया है इंडियाज फर्स्ट एवर मोबाइल बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड नेमली कार्ड प्लस प्लस, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। टाटा ग्रुप ने साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ टू एस्टैब्लिश लिथियम आयन सेल्स फैक्ट्री, ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना है कि टाटा ग्रुप ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है टू एस्टैब्लिश लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री इन सनंद रीजन गुजरात, ठीक है, सनंद रीजन गुजरात में टाटा गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट मिलके लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग की गीगा फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। बस यही चीज़ है आपको ध्यान रखना है कि टाटा ग्रुप ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ किया है। तो यही पूछा जाएगा कि लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री या तो कहाँ एस्टैब्लिश हुई है ये पूछा जाएगा, या तो किसने एस्टैब्लिश की है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा टाटा ग्रुप ने एस्टैब्लिश किया है कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, हम लोग 3 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे, ठीक है। बाइसिकल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 3 जून को। और जो पहला बाइसिकल डे सेलिब्रेट किया गया था वो 2018 में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। बाइसिकल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 3 जून को। पहला कब सेलिब्रेट किया गया था? 2018 में, ठीक है। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, महाराष्ट्र से खबर है कि महाराष्ट्र कैबिनेट चेयर बाय चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने लॉन्च किया है स्कीम शासन आपल्या दरी, मतलब शासन आपके द्वार, गवर्नमेंट एट योर डोरस्टेप स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग सिटीजन द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड फुल बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक तरह का डिजिटल एनहांसमेंट है ये कि शासन आपके द्वार, ताकि आपको सारी सर्विसेज आराम से घर बैठे मिल जाएंगी, ठीक है। क्या है शासन आपल्या दरी, ठीक है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने, महाराष्ट्र सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट की खबर है, ये इन्फॉर्मेशन है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने साइन किया है 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ओवर 818.9 करोड़ विद जापानीज कंपनीज ड्यूरिंग तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन 9-day विजिट टू जापान एंड सिंगापुर। तो बस आप याद रखिएगा, तमिलनाडु और जापान के बीच
818.9 करोड़ की जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिलके पान खाएंगे, ठीक है, मिलके पान खाएंगे, ठीक है। पान से आप याद रखिएगा जापानीज, और मिलके मतलब तमिल, ठीक है, तमिल से मिलके पान, मिल से पान खाएंगे, और ये फिगर याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लें, ठीक है। तो 818.9 करोड़ की MOU साइन हुई है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से रिलेटेड। तो जैसा कि आप जानते हैं, ओडिशा में अभी बहुत ही भयानक रेल एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी लोग घायल भी हो गए थे। तो उसी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो रिलीफ फंड है वो नेशनल रिलीफ फंड से दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा नेशनल रिलीफ फंड से। तो ये नेशनल रिलीफ फंड साथियों बना था 1948 में, ठीक है, किस लिए? टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू दोज अफेक्टेड बाई नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सीडेंट एंड अदर अनफोर्सीन ट्रेजिडीज, ठीक है। और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कौन देता है? वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेट्स हु विश टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ नेशन, ठीक है। डोनेशन कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। द फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स एंड एन्जॉयज अ टैक्स डिडक्शन स्टेटस, इनकरेजिंग स्पिरिट ऑफ फिलैंथ्रोफी एंड कलेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है। तो बस ध्यान देना है कि नेशनल रिलीफ फंड कब एस्टैब्लिश किया था, 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था, और ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस के को सीक करता है, ठीक है, फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों एक बॉडी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके हेड बने हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मैंडूस, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं? UAE से आते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को अब हेड करेंगे डॉक्टर अब्दुल्ला अल मैंडूस, चार ईयर टर्म के लिए, फ्रॉम 2023 टू 2027, ठीक है, 2023 टू 27, ध्यान दीजिएगा, टर्म भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये किसको सक्सीड करेंगे? प्रोफेसर जरहार्ड एड्रियन को, जो कि जर्मन मेट्रोलॉजिकल सर्विस के इंपॉर्टेंट मेंबर थे, ठीक है, जो 2019 में WMO के हेड बने हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। UAE के जो हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मैंडूस, अब वो हेड करेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर अ फोर ईयर टर्म फ्रॉम 2023 टू 2027। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? जरहार्ड एड्रियन को, और ये कहाँ से आते हैं? जर्मनी से आते हैं, ठीक है। UAE से एक और रिलेटेड न्यूज़ है कि UAE जो है वो होस्ट करेगा वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस को कब? 25 में, ठीक है, 2025 में वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस को होस्ट करेगा UAE, ठीक है। तो ये IUCN की इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की इनिशिएटिव है, जिसने चूज़ किया है अबू धाबी एज द वेन्यू ऑफ दिस मोमेंटस इवेंट, ठीक है। बस दो ही चीज़ें, दो ही इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, एक तो WMO से रिलेटेड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, और एक वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस से। तो दोनों को ही कौन लीड करेगा? UAE, ठीक है, UAE। नाम याद रखिएगा डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस, और ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? प्रोफेसर जरहार्ड एड्रियन को फ्रॉम जर्मन मेट्रोलॉजिकल सर्विस, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीन वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं हम लोग जल्दी से। मैक्स वेस्टपन है, उन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्री जीती है 2023 में, ठीक है। स्पेनिश ग्रैंड प्री के जो विनर है वो है मैक्स वेस्टपन, और वेटरन एक्ट्रेस थी सुलोचना लतकर, उनकी डेथ हो गई है 94 की एज में, ठीक है। और साउथ वेस्टर्न कमांड ने होस्ट किया है सुदर्शन शक्ति अलॉन्ग वेस्टर्न बॉर्डर्स इन राजस्थान एंड पंजाब, ठीक है। इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज है, सुदर्शन शक्ति कहाँ हो रही है? राजस्थान और पंजाब, ठीक है। तीन वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है, आराम से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या? मैक्स वेस्टपन क्या जीते हैं? स्पेनिश ग्रैंड प्री जीते हैं। वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना लक्कर जो ये उनकी डेथ हो गई है 94 की एज में, और जो साउथ वेस्टर्न कमांड है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है डिफेंस एक्सरसाइज इंडियन आर्मी की सुदर्शन शक्ति, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर्स पे होगी पंजाब और राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे दो और सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो इंडियन नेवी और इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किया गया है, और इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी साथियों कहाँ पे है? ध्यान दीजिएगा, चेन्नई में है, ठीक है। मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? चेन्नई में है। तो इन्होंने टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए MOU साइन किया है, किसने किसने? इंडियन नेवी ने और इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी ने। मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसको जो प्रोड्यूस किया है, या जो रिपोर्ट को जो रिपोर्ट जिन्होंने लिखा है, वो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिन्होंने प्रेस किया है इंडियाज अचीवमेंट इन रोलिंग आउट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है। तो लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन किसकी रिपोर्ट है? वो है आइरिना की, मतलब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
साथियों, ये आज की लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम लोग का पूरा एनालिसिस खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और सारी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी अच्छे से स्ट्रक्चर तरीके से आपको ईजिली रिमेम्बर करने के लिए, ईजी रिकलेक्ट करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर की गई है। ठीक है, दो तीन चीज़ें और हैं, देख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग की ये सेशन पूरा खत्म होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के सॉरी महाभारत के जो शकुनी मामा थे, आप जानते ही होंगे इनको, देखा ही होगा महाभारत में, गूफी पेंटल, वो उनकी भी डेथ हो गई है। ठीक है, डेथ हो गई है गूफी पेंटल, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रोमिनेंट वेटरन एक्टर हैं, तो इसलिए इनसे इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है घानियन राइटर एंड फेमिनिस्ट अल्मा अटा आइडू पासेज अवे एट 81। ठीक है, घानियन राइटर हैं अल्मा अटा आइडू, ये 81 की एज में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, लास्ट न्यूज है साथियों, महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी आई। ठीक है, तो आप आई से तो समझ ही जाएंगे, ठीक है, कि आई जो टर्म है वो मां के लिए यूज होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, इन एन एफर्ट टू एम्पावर वुमेन इन टूरिज्म इंडस्ट्री, द पॉलिसी विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म एंड महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये सेशन समाप्त होता है साथियों। आशा करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं 5th जून 2023 के करेंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।